हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। अगर आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाय पिंटू कुशवाहा पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा वीडियो देख सकें सबसे पहले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना टैली प्राइम ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंट्री करने के लिए आपको इन्वेंट्री एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी अकाउंटिंग का एक टॉप अप विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको इन्वेंट्री देखने को मिलेगा। इन्वेंट्री में आपको मेंटेन इन्वेंट्री, इसको यस कर देना है। साथ ही इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, इसको भी यस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यस करने के बाद सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर क्रिएट का ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सामने लिस्ट ऑफ मास्टर्स का विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको इन्वेंट्री मास्टर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर में क्रिएट करना है कुछ चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे आपको यहाँ क्या क्या क्रिएट करना है। स्टॉक ग्रुप बनाना है, स्टॉक कैटेगरी क्या होगी वो बनाना है, और स्टॉक आइटम्स बनाना है, यूनिट्स बनाना है, और साथ ही एक लोकेशन भी देना है। तो मैं बता दूँ कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और वी यूनिट, ये जो तीन चीज़ें हैं ये सभी आपके आइटम्स पर निर्भर करती हैं। तो अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूं कि जैसे मेरा कंप्यूटर रिलेटेड मान लीजिए सभी आइटम्स रहते हैं, तो मैं यहां पे उस कैटेगरी का चुनूंगा। तो यहां पे हमारा जो स्टॉक का ग्रुप हो जाएगा वह हमारा हो जाता है कंप्यूटर रिलेटेड। तो हम यहां पे बना लेते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्राइमरी करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। ये हमारा हो गया स्टॉक ग्रुप, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टॉक कैटेगरी जी, ये हमारा भी स्टॉक आइटम्स पे ही निर्धारित करता है कि जो भी हमारा आइटम्स होंगे वो किस कैटेगरीज में आते हैं। हमारा कंप्यूटर्स का ही मान लीजिए है ही, तो हम जैसे रख रहे हैं, देखिए कंप्यूटर पार्ट्स रख रहे हैं, तो हमारा कैटेगरी हो जाता है यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स, मान लीजिए ले लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। ये भी हो गया। अब आपको यहाँ पे आना है, सबसे पहले मैं यूनिट क्रिएट कर देता हूँ। यूनिट क्रिएट करना है, यूनिट में ध्यान देना है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वह पीस में आता है, केजी में आता है, या अन्य किसी फॉर्मेट में आता है। नॉर्मली चीज़ें तो या तो पीस में बिकेंगी, या तो अगर वैसा कुछ रहा तो वह केजी में जाएगा। तो कंप्यूटर रिलेटेड है तो ये हमारा तो केजी में जा नहीं सकता, हम इसको पीस में ही रखेंगे, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद इसको क्विट कर देते हैं। अब आ जाते हैं लोकेशन, यहाँ पे हमको न्यू क्रिएट लोकेशन करना है। यहाँ पे हमारा जो गोडाउन, जैसे कि हमारा जिस एरिया में दुकान है उस लोकेशन को यहाँ दे देंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं इंडिया ले लेता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको आना है यूनिट्स, अब आपको आना है स्टॉक आइटम्स, जहाँ पे हमको आइटम्स क्रिएट करके स्टॉक बना लेना है कि मेरे पास जो जो भी आइटम्स हैं वह यहाँ पे एंट्री कर देंगे। स्टॉक आइटम्स क्रिएशन में आपको, जैसे मैं दो या तीन एग्जांपल का चलिए समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने सीपीयू ले लिया, जो कि
कंप्यूटर रिलेटेड है कैटेगरी जो हमने बनाया है, यहाँ शो कर रहा है अंडर। अब ये हमारा यूनिट पूछ रहा है कि पीस में है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, मान लीजिए मैं 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ। लोकेशन जैसे मैंने पहले ही दिया था, बताया था आपको, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ रेट दे देना है, पर का रेट क्या होगा। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं 1200 ले लेता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। तो पहला आइटम हमारा क्रिएट हो गया। और एक आइटम्स ले लेता हूँ, जैसे कि माउस ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी कंप्यूटर रिलेटेड ही रहेगा, पीस रहेगा। और यहाँ पे ले लेता हूँ 10 पीस क्वांटिटी। अब आपको लोकेशन चुनना है, रेट दे देना है, रेट हम जैसे दे देते हैं 500 रुपये, और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दो आइटम्स हमारे क्रिएट हो गया है। और एक मैं ले लेता हूँ, जैसे कि रैम ले लेता हूँ, और ये भी हमारा कंप्यूटर रिलेटेड ही है, इस ले लेता हूँ। क्वांटिटी मैं चुन लेता हूँ, इसको भी 10, और लोकेशन भी दे देता हूँ, और साथ में रेट दे देते हैं एक, और इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। इन्वेंट्री में अभी हमने स्टॉक ग्रुप बनाया, स्टॉक कैटेगरी बनाया है, स्टॉक आइटम्स बनाया है, यूनिट बनाया है, लोकेशन बनाया है, ठीक है। अभी तो ये हमने केवल बनाया है। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कुछ स्टॉक में चेंज करना है, मतलब जो हमने आइटम्स बनाए हैं उनको चेंज करना चाहें या एडिट करना चाहें, तो आप सिंपली अल्टर में जा कर के यहाँ से, एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए हमको ग्रुप्स में चेंजेस करने हैं, आपको सिंपली क्रिएट करके यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। अब हमको उसको एंट्री करना है जो हमने इन्वेंट्री क्रिएट किए है, ठीक है। तो चलिए उसको एंट्री करने के लिए हमको सीधे वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में हमको देखना है कि हमारा आउंटिंग वाउचर जो क्रिएशन है वो हम सेल करने वाले हैं या उस परचेस करने वाले। तो बेसिकली हम सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमको सेल लेज़र बनाना है। उसके लिए पार्टी नेम लेने के लिए आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है, पार्टी नेम चुन लेना है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ P2 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे अंडर्स में हमारा पार्टी नेम है सेम रहता है सेल में, जैसे हमारा सेंडी डेबिटर्स ले लेना है। यहाँ पे मेंटेन बाय बिल को यस कर देना है, क्रेडिट वगैरह यस कर देना है, एड्रेस पिन कोड जो डिटेल्स है फिल करके, आप अगर डिलीवरी डिस्पैच डिटेल्स वगैरह भरने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सेल लेज़र बनाना है, उसके लिए ऑल सी प्रेस करके सिंपली सेल्स लेज़र बनाना है। अंडर ये हमारा हो जाता है सेल अकाउंट्स में, और यहाँ पे हम टाइप ऑफ लेज़र अभी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे स्टॉक आइटम्स में, यहाँ पे हमारा शो कर रहा है, देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग में शो नहीं करते। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, आपको स्पेस बटन जो है उसको प्रेस करेंगे तो जितने आइटम्स आपने क्रिएट किए होंगे वो आइटम्स आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स का एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ तीनों एंट्री ले लेते हैं, CPU ले लेंगे, लोकेशन यहाँ पूछा जा रहा है तो हमने लोकेशन क्रिएट किया हुआ है। क्वांटिटी में हम जैसे 10 का बनाए थे 1 एंट्री ले लेते हैं, और यहाँ पे हम अभी इसका रेट ले लेते हैं, चलिए इतना ही ले लेते हैं, तो देखेंगे हमारा रेट कम में है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक न्यू ले लेते हैं, उसके लिए हम देखते हैं माउस ले लेते हैं, इसका भी लोकेशन हम लोग दे देंगे, और क्वांटिटी में भी हम जैसे 2 ले लेते हैं इसको, और इसका प्राइस दे देते हैं, एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग एक और एंट्री ले लेंगे, स्पेस करने के बाद रैम ले लेते हैं, मेन लोकेशन ले लेंगे इसका। अच्छा, आप लोग लोकेशन अगर यहाँ पे बदलना चाहें तो सिंपली क्रिएट पर क्लिक करके क्रिएट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शंस आपको सभी में मिल जाएंगे। तो ये हमारा आउट ऑफ क्वांटिटी चला गया है। तो इसको भी एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ पे
हमने एंटर प्रेस किया तो देखेंगे हमारा टोटल वैल्यू शो कर रहा है। आप जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी जैसे रखते हैं, डिलीवरी चार्ज हो गया, टैक्स हो गया और भी एडिशनल चार्जेस हो गए, तो हम इसको देखेंगे टोटल शो कर रहा है। सिंपल एक एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हम अपना जो टैक्स काटेंगे वह बना देंगे। तो जैसे अभी हम मान लीजिए कि वैल्यू एडेड टैक्स मान लीजिए हम काटना चाहते हैं, तो ये हमारा अंडर हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो अगर हम वैट टैक्स काटेंगे तो हमको उसको इनेबल करना होगा, उसके लिए F11 प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पे आ जाना है टैक्सेशन में। अगर आप कुछ नया टैक्स काटना चाह रहे हैं तो उसको एक्टिवेट करने के लिए यस कर देंगे और एक्सेप्ट कर देना है। ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भी टैक्स काटेंगे उसको सेलेक्ट कर लेना है, कितना परसेंट काट रहे हैं वो भी आपको यहाँ देना है ताकि वह ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दे, ठीक है। अभी इसको एक्सेप्ट कर देना है। ओ, हमने एक मिस्टेक कर दिया है, तो वैट हम ले लेते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा वैट हो गया है, तो हमारा कितना कटा था 5%, एंटर। अच्छा तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन नहीं आया है, तो चलिए हम लोग निकालने कैसे है वो भी बता देता हूँ। एक नया चीज़ आपको मिल गया, सिंपली कंट्रोल एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद जैसे हमारा टोटल अमाउंट जितना शो कर रहा है ना 3550, इसको ले लेना है इनटू हमारा टैक्स कितना कट रहा है 5% डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, और एंटर कर देंगे तो देखेंगे हमारा 5% जो टैक्स कटता है 177 रुपये होते हैं, यहाँ शो कर रहा है। कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, चलिए हम वापस एंट्री में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा 177.50 पैसा शो किए थे, एंट्री कर देना है और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब पेज अप करने के बाद हम इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल पी प्रेस करना है, तो यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा प्रिंट करना है, प्रीव्यू देखना है या कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हम प्रीव्यू देखते हैं अभी फ़िलहाल। तो जूम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा इनवॉइस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, देख सकते हैं ये अकाउंटिंग्स आ गया है। यहाँ पर हमने आइटम्स लिए थे, टैक्स काटे थे, सारा सब कुछ हो गया। तो देखा आपने कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं टैली प्राइम में। ये तो अभी मैंने केवल सेल बताया है, सेल के जरिए आप लोग सेम चीज़ परचेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताए हैं उसको कुछ प्रोडक्ट सेल किए हैं या परचेस किए हैं तो उसको रिटर्निंग कैसे करेंगे उसके बारे में भी जानना चाहेंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर जल्द ही बनाऊँगा, आपके कमेंट्स पर निर्भर करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये नॉलेज मिल सके, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाय पिंटू कुशवाहा पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा वीडियो देख सकें सबसे पहले।